प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है। इस बीच आज सदन में प्रदेश की आर्थिक हालातों पर अहम चर्चा होने की उम्मीद है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भोगियों को पेंशन समय पर नहीं मिली। इस समय प्रदेश 94,000 करोड़ के कर्ज में है, जबकि ये 2017 में ये 48,000 करोड़ रुपए था। मौजूदा सरकार के 18 महीने का कार्यकाल में तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है और इस समय हर हिमाचली पर 1,17,000 रुपए का कर्ज हो चुका है। आज सदन में नियम 130 के तहत राज्य में आर्थिक संकट को लेकर चर्चा होगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सदस्य हिस्सा लेंगे। ऐसे में अब विपक्ष को भी जनहित के मुद्दे उठाने का ये अतिरिक्त दिन मिला है। 10 दिनों के सत्र में अभी तक खराब वित्तीय दौर से जूझ रही प्रदेश सरकार को घेरने में विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की खस्ता हालात वित्तीय स्थिति के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इस आर्थिक संकट के समाधान निकालने की बात कही है। उनका कहना है कि राज्य में विकास के लिए सिर्फ 28% बजट ही रह गया है, जबकि पूर्व भाजपा की सरकार भी 2017-18 में ये 93.56% था। उन्होंने कहा कि आज बजट का 40% से अधिक हिस्सा सिर्फ कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहा है, जबकि भाजपा सरकार में वर्ष 2017-18 में ये सिर्फ 27% था। इससे पहले मॉनसून सत्र 9 सितंबर यानी सोमवार को खत्म होना था, लेकिन बाद में सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगराज। जी योगराज, आज सत्र का आखिरी दिन है, एक दिन का अतिरिक्त समय जो है वो सत्र को दिया गया है। पिछले कल वित्तीय स्थिति पर चर्चा हुई है, क्या विधायकों द्वारा कोई सुझाव जो है वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए दिए जा रहे हैं, या फिर पक्ष और विपक्ष में जो है गतिरोध और आपसी जो गतिरोध है दोषारोपण का ही क्रम जारी है? जी हम बिल्कुल, काफी गंभीर मसला है जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति बनी हुई है। इस बार कर्मचारी और पेंशनर को सैलरी भी काफी लेट मिली है 5 और 10 तारीख को, तो ऐसे में इसको लेकर सरकार भी चर्चा जा रही थी और विपक्ष भी चर्चा जा रहा था। लंबे अरसे से लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसको लेकर गंभीर मंथन जो है वो सदन के भीतर होना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है, सरकार इसे क्यों छुपा रही है। तो उसको लेकर कल से ही चर्चा शुरू हुई है और लगभग 18 विधायकों ने इसमें जो है वो भाग लेना है। कल भी नेता विपक्ष की तरफ से चर्चा में हिस्सा लिया गया, दूसरी तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा में हिस्सा लिया। चर्चा चल रही है और अभी तक जो सदन के भीतर जो चर्चा चल रही है उसमें खासतौर पर अभी तक यही निकलकर सामने आ रहा है कि किसके समय में कितना लोन दिया गया, किसके समय में कितना कर्ज दिया गया, क्या देनदारियां हैं। एक दूसरे पर जो है वो दोषारोपण किया जा रहा है, राय पक्ष और विपक्ष जो है वो कम आ रहे हैं, लेकिन जो दोष एक दूसरे पर थोपने का वो जो है वो सदन के भीतर ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि कुछ एक विधायक जो है अच्छे सुझाव भी दे रहे हैं इस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है उसको पटरी पर लाया जाए। सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, चाहे जो फ्री बीस की अगर हम बात करें, बिजली 125 यूनिट हाल की अभी भी मिल रही है, लेकिन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसको खत्म करने का निर्णय लिया था। टैक्स केट से जो है बिजली का बिल वसूलने को कहा था, पानी को लेकर भी इस तरह के संसाधन जो है वो सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि पेश किया जाए, लेकिन बड़े स्तर पर जिस तरह से विपक्ष भी कह रहे हैं कि सुधार की जो जरूरत है, चाहे सीपीएस हो या चेयरमैन हो, जो फौज खड़ी की है सरकार ने उनको जो है उनकी जरूरत नहीं है, उनको पदों पर बैठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में लाखों रुपया जो है वो हर महीने उनको वेतन के रूप में मिल रहा है, जो हुदूद खर्ची है गाड़ियों को लेकर भी यहाँ पर बात जो है सदन के भीतर होती है कि जो गाड़ियां अधिकारियों को लेकर खासतौर पर 3 से 4 गाड़ियां जो है गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में इन चीजों पर कटौती करनी होगी, तभी हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो पटरी पर लौटेगी। जी प्रियंका, ठीक है योगराज, इसके अलावा आज सदन में क्या कुछ मुद्दों पर जो है चर्चा होनी है, क्या कुछ मुद्दे प्रस्तावित है और क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी क्योंकि एक दिन बढ़ाया गया था, हालांकि पिछले कल ही खत्म हो जाना था सेशन, लेकिन जिस तरह से वित्तीय संकट को लेकर ये चर्चा चल रही है तो काफी अहम है। उससे पहले प्रश्नकाल रहेगा, 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा और मुख्यमंत्री की तरफ से हिमाचल प्रदेश बिजली शुल्क शोधन 2024 सदन में जो है वो पेश किया जाएगा। इसके मुताबिक 10 पैसे प्रति यूनिट जो है वो सरकार जो है मिल्क सेस के रूप में जो बिजली उपभोक्ता है उनसे वसूलेगी, ताकि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से दूध की कीमतें सरकार ने बढ़ाई है और किसानों को सशक्त करने की सरकार बात कर रही है, उस दिशा में थोड़ा काम जो है हो सके, इस दिशा में ये बिल जो है वो सदन के भीतर आज पारित किया जाएगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दो सदन के भीतर जो चर्चा में लग जाएंगे जिस पर चर्चा होगी, और उसके बाद जो है
हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है, वित्तीय हालात बने हुए हैं, किस तरह से पटरी पर लाना है, उसको लेकर जो है वो चर्चा आगे शुरू होगी नियम 130 के अंतर्गत। और आज इस चर्चा का मुख्यमंत्री जो है वो जवाब देंगे और समापन भी आज ही विधानसभा मानसून सत्र का है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के जवाब से कितना संतुष्ट जो है पक्ष यहाँ पर लगता है, क्योंकि जिस तरह से कह रहा है कि केंद्र की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है, लेकिन हिमाचल सरकार जो प्रीवियस की बात सरकार ने सत्ता में आने से पहले वह कांग्रेस ने की थी, उसके कारण कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो डावाडोल हुई है। जी ठीक है, तो वित्तीय स्थिति पर आज मुख्य तौर पर चर्चा होगी और मिल्क सेस जो लगना है विद्युत शुल्क पर, उसको लेकर भी प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद। ऐसी जानकारी जो है योगराज दे रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया योगराज।